इंटरनेशनल जीतो ऑर्गेनाइजेशन के यूथ कॉन्क्लेव 2022 में हमारे बीच में हमारे लोकसभा में साथी हमारे मित्र भारत सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब इस मारवाड़ की धरती का नाम देश और विश्व के ऊपर गौरव बढ़ाने वाले महाराजा जस सिंह जी जीतो अपेक्स के चेयरमैन श्री गणपत चौधरी जी जीतो के अध्यक्ष सुरेश मूसा जी जीतो के नेशनल प्रेसिडेंट धीरज छाटेर जी नुकुल जैन जी अनिल बोरा जी मनीष मेहता जी गौतम जैन जी और सभी पदाधिकारीगण मैं आप सबका बहुत बहुत देश भर से आए जीतो युवा के प्रतिनिधि भाइयों बहनों राजस्थान की इस जोधपुर धरती जो सूर्य नगरी है और विशेष रूप से देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो राजस्थान की संस्कृति की झलक पधारो हमारा राजस्थान वो जोधपुर से होती है। इसलिए जोधपुर का एक अपना महत्व है जिसने समय समय पर अपने कार्यों से अपनी संस्कृति से राजस्थान और देश और विश्व में एक स्थान बनाया है। आज हम सब यहां पर इस तीन दिन की कंक्लेव में कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे संवाद करेंगे बातचीत करेंगे और भगवान महावीर के सिद्धांत और विचारों को लेकर अपने अपने कार्य के अंदर हमारी कार्यशैली पद्धति के अंदर चाहे उद्योग हो व्यापार हो सामाजिक सेवा हो शिक्षा चिकित्सा टेक्नोलॉजी सभी मुद्दों पर अलग अलग चर्चा कर इस कॉन्क्लेव का एक निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरीके से भगवान महावीर स्वामी के विचारों को लेकर उनके आदर्शों को लेकर हम भारत को एक आत्मनिर्भर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। साथियों जो आपकी कॉन्क्लेव जिस समय हो रही है ये समय बदलता भारत की तस्वीर है। दुनिया के अंदर भारत के बदलती तस्वीर को आप देख रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और दुनिया के सारे देश चाहे आर्थिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे निवेश का क्षेत्र हो हर क्षेत्र के अंदर आज दुनिया की देश भारत की ओर है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता उनकी कार्य कुशलता उनका नया इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी
और भारत और विश्व में आने वाली हर चुनौतियों का समाधान अगर कोई दुनिया को दे रहा है तो भारत का नौजवान दे रहा है। आप सब नौजवान अपनी कार्य संस्कृति से, जिस समाज में आपका जन्म हुआ, उस जन्म की पारिवारिक कार्य संस्कृति ही उद्यमिकता की है, उद्योग व्यापार सभी सेक्टर के अंदर सर्वश्रेष्ठ काम कर देश और का गौरव बढ़ाने के लिए आपका अतुलनीय योगदान है। आजादी के पहले और आजादी के बाद इस देश के अंदर उद्योग व्यापार सर्विस सेक्टर के अंदर जो प्रगति की है, जो नए इनोवेशन किए हैं, नए इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर नए कार्य किए हैं, उसमें जैन समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस भारत के विकास के अंदर। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि इस बदलते भारत की तस्वीर में हम किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना सहयोग दें। दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र के अंदर, चाहे उद्योग व्यापार हो, चाहे हमारी सामाजिक संस्कृति, सेवा की संस्कृति, त्याग और समर्पण की संस्कृति, सामूहिकता से काम करने की हमारी संस्कृति, ये दुनिया ने भारत की देखी कि दुनिया के अंदर कितनी भी बड़ी चुनौती आए, कितनी बड़ी आपदा आए, कितना बड़ा संकट आए, उस संकट आपदा चुनौती को हम सामूहिकता की हमारी संस्कृति के कारण आपस में सहयोग कर हम हर चुनौतियों को, आपदा को निपटने में सक्षम हैं। और विशेष रूप से जैन समाज के वो नौजवान साथी जो भगवान महावीर के विचारों पर चलते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, सत्य अहिंसा के साथ अपरिग्रह के विचार से चलते हैं, जो कुछ भी समाज के मैंने लिया है वह समाज को मुझे समर्पण करना है। और इसी संस्कृति के कारण आपकी सेवा, आपका समर्पण केवल जैन समाज में नहीं, समाज के तमाम अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, यह आपकी जिम्मेदारी है। और आप 3 दिन के इस कॉन्क्लेव में जहां आप नेटवर्किंग का काम करेंगे, उद्योग के बारे में चर्चा में देखिए, अभी गजेंद्र सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, नया इनोवेशन, नए रिसर्च की क्षमता के कारण हर चुनौतियों का समाधान हमारे नौजवान स्टार्टअप के माध्यम से निकाल रहे हैं। आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाए, दुनिया के हर देश में जो प्रोफेशनल होगा, चाहे आईटी में होगा, चाहे वो डॉक्टर होगा, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, दुनिया की बड़ी कंपनियों में भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है और दुनिया के अंदर उन कंपनियों के माध्यम से उस देश के विकास में भी अगर कोई योगदान कर रहा है तो भारत के नौजवान कर रहा है। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी तो हमारी ताकत है। किसी समय लगता था कि हमारी डेमोग्राफी हमारे अभिशाप होगी, लेकिन आज जिस कार्यकुशलता के साथ, जिस नई इनोवेशन के साथ अगर बेहतरीन नौजवान मिलेगा तो भारत के अंदर मिलेगा। मैं दुनिया के अंदर कई देशों में जब जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो विकसित देशों के अंदर, जो दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में है, उस विकसित देश के अंदर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कोई समाधान निकाल रहा है तो भारत का नौजवान निकाल रहा है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने
आत्मनिर्भर भारत का नारा इसलिए दिया है कि अब बदलते भारत के अंदर दुनिया के अंदर विज्ञान और टेक्नोलॉजी हो, चाहे कितना भी बड़ा इंडस्ट्री सेक्टर हो, हर सेक्टर में हम मेक इन इंडिया, हमारा ब्रांड दुनिया के अंदर चलेगा और दुनिया मेक इन इंडिया के ब्रांड को ले भी ये ताकत और सामर्थ्य और शक्ति हमने आज भारतीय राजनीति के अंदर एक कुशल नेतृत्वकर्ता, एक दूरदर्शी नेतृत्व और जिन्होंने भारत के विजन को केवल अभी नहीं, दो साल के लिए नहीं, एक राजनीतिक स्थिरता के साथ कि हम 100 साल के अंदर भारत कैसा होगा, इस विजन के साथ भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। कई बार चुनावी चुनी सरकारें काम करती थी, अपने 5 साल के कार्यकाल की योजना बनाती थी, 10 साल की योजना बनाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत का विजन आने वाले शताब्दी वर्ष तक बना रहे हैं और इस शताब्दी वर्ष के अंदर हमारा संकल्प है, हमारी ताकत है, सामर्थ्य है कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। हमारे नौजवानों की वजह से हमारी 130 करोड़ जनता के सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण, और इसीलिए आप अलग अलग ट्रेड के अंदर, अलग अलग व्यापार के अंदर काम करने वाले नौजवान साथियों, डेमोक्रेसी हमारे प्राचीनतम पद्धति, हमारे संस्कारों, हमारे विचारों में हम इस तरीके के कैंक्लेव इसलिए करते हैं कि आपस में अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अच्छे कामों को, अच्छे इनोवेशन को, अच्छे विचारों को, अच्छे अनुभवों को हम इस कंपनियों के माध्यम से अपने विचारों को साझा करें। और जिस सेक्टर के अंदर भी आपको जो इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, व्यापार के सेक्टर के अंदर, सामाजिक सेवा के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर नए स्टार्टअप किस तरीके से बढ़ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में आपकी चर्चाएं होंगी, केवल आपकी चर्चाएं व्यापार उद्योग इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं होंगी, आप चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लोगों के सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन करने में हमारे जैन इंटरनेशनल के युवाओं की क्या भूमिका होगी, और इस सामूहिक चर्चा, संवाद, बातचीत से जो समाधान निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, उससे हम समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करेंगे और भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में हमारी संस्था का क्या योगदान होगा, इस निष्कर्ष के साथ हम पहुंचेंगे। मुझे आशा है कि आपकी ये 3 दिन की कॉन्क्लेव अलग अलग विषयों पर, अलग विषयों पर संवाद होगी, चर्चा होगी। हमारे लोकतंत्र में ये हमारी ताकत रहती है, चाहे हमारी संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में चर्चा, संवाद, बातचीत, सहमति, असहमति, लेकिन उसके बाद जो निष्कर्ष निकले उसको सामूहिकता के साथ सब मिलकर किस तरीके हमारे सबके कंट्रीब्यूशन के, सबके सहयोग से हम हमारे जो अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेज हमने लोगों के अनुभव से प्राप्त किए उसका उपयोग समाज के अंदर लगाएं। मुझे आशा है कि 3 दिन की कंक्लेव में एक अपेक्षित परिणाम के साथ, एक अच्छे निष्कर्ष के साथ, अच्छी बातचीत संवाद के साथ हम जो हमारा